हेलो दोस्तों, Xiaomi जो है अगले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर यानी कि Q1 जो है 2020 के उसमें अपने 3 फोन ऐसे लाने वाले जो कि फ्लैगशिप फोन होंगे। और दोस्तों वो फोन जो है ना स्नैपड्रैगन 865 के साथ आने के चांस है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर अभी का लेटेस्ट वही है, क्योंकि 855 और 855 प्लस लगा के अभी फायदा नहीं, क्योंकि वो थोड़े अभी पुराने हो गए हैं। अब दोस्तों ये जो फ्लैगशिप फोन है वो चाइना में या फिर अदर कंट्री में देखने को मिलेंगे ग्लोबल में, लेकिन इंडिया के लिए मैं आपको बता दूं उसमें से जो है एक Redmi K30 Pro जो होगा, K30 Pro की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो लास्ट ईयर में K20 Pro आया था ना स्नैपड्रैगन 855 के साथ, वैसे ही अभी K30 Pro आएगा जो कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा अदर कंट्रीज में। और इंडिया में जो है ना वही फोन जो है Poco F2 बन के आएगा, देख लेना दोस्तों, मैं अभी से ये भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये सच निकलने वाली है, आप देख लेना। तो अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी Poco जो इंडिपेंडेंट ब्रांड हुआ ना वो खास करके सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप बाकी कंट्रीज के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम देखोगे ना तो Poco फोन वैसा ही है, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, या तो उसको जो है डिलीट कर देंगे या उसको जो है इसमें मर्ज कर देंगे Redmi में, क्योंकि दोस्तों Poco जो है ज्यादातर इंडिया में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की है, बाकी अदर कंट्रीज में किया है पर लेकिन इंडिया जितना नहीं है। और इंडिया में जो है Realme जितना टक्कर दे रहा है ना Xiaomi को उतना अदर कंट्रीज में नहीं दे रहा है, इसलिए दोस्तों जो है खास करके सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए जो है Poco वापस आया है, क्योंकि दोस्तों Poco को लाना बहुत ही जरूरी था, इंडिया में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है Realme और Xiaomi के बीच इसलिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो Redmi का K30 Pro आएगा ना वो एकदम फ्लैगशिप फोन होगा और इसमें जो है हमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो है इसमें हमें 4500 से लेकर 5000 mAh की बैटरी इस बार देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 865 है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बैटरी जो है कंज्यूम करता है, इसलिए दोस्तों जो है उसको देखते हुए जो है बैटरी बहुत ही बड़ी लाने वाले हैं इस बार, देख लेना 4500 से लेकर 5000 mAh तक बैटरी देखने को मिलने वाली है इस फोन में। वही दोस्तों प्रोसेसर की बात तो हो गई कि इसमें स्नैपड्रैगन का 865 होगा जो कि लेटेस्ट होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके साथ ही इसकी जो बॉडी होगी ना इस बार इसमें काफी ज्यादा जो है वो लोग कॉस्ट कटिंग करने वाले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं Poco में जो है थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है, यानी कि ग्लास रह के भी जो है उसको जो है थोड़ा सस्ता वाला ग्लास लगा है, बहुत से यूट्यूबर ने इसके बारे में बताया, आप देख लेना। वैसे ही दोस्तों इसी फोन में जो है K30 Pro में जो है हमें ऐसा ही कुछ बॉडी देखने को मिलेगी जो कि जो है कॉस्ट कटिंग होगी लेकिन ग्लास बॉडी ही देखने को मिलेगी, साथ में जो है इसमें बैटरी भी अच्छी है और कैमरा जबरदस्त देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरा काफी अच्छा रहेगा या फिर इसमें भी जो है सोनी IMX686 ही देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो है काफी बजट में भी ला सकते हैं फ्लैगशिप फोन को। वही दोस्तों इसमें बेस्ट फीचर ये होगा कि इस बार हमें 90Hz की रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिलेगी, K30 Pro की मैं बात कर रहा हूँ। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें फ्रंट में हमें जो है सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो है Redmi K30 यानी कि Poco X2 आया ना वही दोस्तों जो है उसमें भी काफी ज्यादा जो है लोग बोल रहे हैं कि क्या जरूरत थी डुअल कैमरा देने की, इससे अच्छा एक ही सिंगल कैमरा दे देते, अच्छा सेंसर वाला और पंच होल दे देते, आगे जो है स्पेस भी कम खाता वो और अच्छा भी रहता, क्योंकि दोस्तों जो है उसमें सेकेंडरी कैमरा दिया ना वो 2 MP का सिर्फ डेप्थ सेंसिंग यानी कि बोके इफेक्ट के लिए, उसकी जगह अगर अल्ट्रा वाइड या वाइड एंगल के लेंस वाला दे देते ना तो बात ही अलग होती। और हाँ दोस्तों, इसमें हमें बैटरी तो बड़ी देखने को मिलेगी लेकिन चार्जर ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये बजट में आने वाले फोन भले ही सपोर्ट अच्छा आ जाए यानी कि 50-60 वोल्ट तक सपोर्ट मिल जाए, लेकिन चार्जर जो बॉक्स के अंदर दिया जाएगा ना वो 30 या 27 वोल्ट का ही रहेगा, क्योंकि जो है काफी बजट में ये फोन आने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कितनी प्राइस तक आ सकता है, तो दोस्तों पहली बात तो ये जो है K30 Pro नहीं, इंडिया में Poco F2 नाम से ही आने वाला है और ये अप्रैल को आने के चांसेस है, मार्च एंडिंग या अप्रैल को 100% आने के चांस है इंडिया में। और देख लेना दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे तो कमेंट करके जरूर बताना मेरी बात सच निकली या नहीं। दोस्तों ये Poco F2 होगा ये भी काफी ज्यादा तबाही मचेगा, ये 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में आने वाला है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इतना सस्ता कैसे आ सकता है, कैसे कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन का 865 प्लस जो है अच्छी बैटरी और अच्छी डिस्प्ले, ये तीन देखने को मिलेगी, बाकी इसमें ये कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो है डिस्प्ले यूज तो करेंगे लेकिन उतनी जो रहनी चाहिए अमोलेड सुपर एमोलेड वो देखने को ना मिले, थोड़ी सी जो है लो क्वालिटी की देखने को मिल जाए, या फिर दोस्तों जो है बैक पैनल वो सब जो है थोड़ा सा जो है ग्लास में मटेरियल जो है थोड़ा लो बजट का यूज करे, जिससे जो है काफी बजट में फोन बना सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होने वाला है, देख लेना, नहीं तो दोस्तों Poco F2 को जो है 25 के ऊपर लाके कोई फायदा नहीं। आपको पता होगा कि अब जो है Realme का X2 Pro जैसा है ना वैसा X3 Pro भी आ सकता है, तो वो काफी ज्यादा धमाल मचाएगा, वो भी 25 के करीब आएगा। और Poco किस नाम से जाना जाता है, एकदम लेटेस्ट बजट में। जी हाँ दोस्तों, बजट यानी कि प्रोसेसर फ्लैगशिप होता है लेकिन बजट में आता है इसलिए जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फोन जो है 25 से या फिर 21, 22, 23 या 24 या 25,000 के अंदर ही आएगा और बेस वेरिएंट इसका 6GB और 64GB होगा, देख लेना आप। और इसमें आर्मर्ड एडिशन भी आने के चांसेस है। अब दोस्तों ये मैंने बता दिया सब कुछ प्राइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी राय में मेरी बातें कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।